Pikachu, take down now! अब स्टार्टिंग में जो आपने पिकाचू की एंट्री देखी ना, और अगर आप एक छोटे बच्चे थे तब यहाँ पे पोकेमोन नाम का एक कार्टून बहुत ज्यादा फेमस था। मैं तो भाई उसको बहुत ज्यादा देखता था पोगो के अंदर, पोगो में ही आता था। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कौन से यहाँ पे जो है वो कार्टून नेटवर्क के अंदर आता था या पोगो के अंदर आता था, कौन से चैनल के अंदर आता था, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों उसी तरीके का गेम, एक प्ले टू वन गेम है वो यहाँ पे मार्केट के अंदर आया है। देखो सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे 30,000 फॉलोअर्स के साथ ये मार्केट के अंदर है, मतलब इनके ट्विटर अकाउंट के अंदर 30,000 फॉलोअर्स हैं। MEXC, बिटगेट, यूनिस्वैप के अंदर ये ट्रेड हो रहा है। रिसेंटली ये भी टोकन लिस्ट हुआ है, और ये टोकन के ऊपर बात करना मेरा इसलिए बनता है, पहले तो ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है, मैं आपको क्लियर बता दूं, $100 वीडियो का मैंने चार्ज लिया है, और $100 में से $50 तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, लेकिन अभी नहीं करूँगा, वो इन्वेस्टमेंट करूंगा जब यहाँ पे इसका टोकन का प्राइस नीचे गिरेगा तब। और यहाँ पे इनके जो फेज 3 चल रहा है ना, इसके ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपके पास 1P का टोकन है तो उसके बदले आप एक्स्ट्रा 1P का टोकन अर्न कर सकते हो। अभी इनका ये फेज 3 चल रहा है। देखो एक चीज दोस्तों मैं क्लियर कर दूं, आप यहाँ पे प्ले टू अर्न टोकन है, सामने वाले बंदे से फाइट करके अपने यहाँ पे पोकेमोन से या अपने पिकामोन से डायरेक्टली फाइट करके टोकन अर्न कर सकते हो। जैसे अगर आपने माफिया के बारे में सुना होगा, या जैसे अगर आपने ARC8 एप्लीकेशन देखी थी, उसी तरीके से ये प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा, बट ये थोड़ा सा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वेंचर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है। तो चलो दोस्तों सबसे पहले हम इस पोकेमोन या पिकामोन गेम के बारे में बात करें, किस तरीके से काम करता है, फिर उसके बाद इसको खेलेंगे किस तरीके से जो हम इसमें खेल सकते हैं, और अगर आपको इसको बाय करना है कैसे आप ये बाय कर सकते हो। और अगर दोस्तों अगर आपने हमें टेलीग्राम चैनल के अंदर फॉलो नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल के अंदर फॉलो कर लो, जहां पे आप लोग मुझसे बात कर सकते हो किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। लगे हाथ सेकंड चैनल Techium 2.0 फॉलो कर लीजिएगा, जहां पे रील्स और शॉर्ट्स के माध्यम से हम आपकी हेल्प करते हैं। दोस्तों वहीं पर ही ट्विटर अकाउंट फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अपडेट ना मैं सबसे पहले वही देता हूं यहां पे आने से पहले। और इसके गेम के बारे में मुझे पता था आज से एक हफ्ता पहले, जब भी ये लिस्ट हुआ था उससे पहले ही पता था, लेकिन साथ ही साथ इसके स्पॉन्सर भी आ गए, मैंने कहा चलो भाई वीडियो भी बना ही डालते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे अब हम डिटेल में बात करेंगे पिकामोन गेम के बारे में, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे पिकामोन वेबसाइट के अंदर हूँ, और यहाँ पे इनको वेरीफाइड करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ ट्विटर अकाउंट के अंदर इनके कितने फॉलोवर्स हैं। अराउंड 30,000 के आसपास जो है वो इनके फॉलोवर्स हैं, 37K के आसपास। और इसी अकाउंट को आपको फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि किसी अदर अकाउंट को आप फॉलो कर लोगे, अदर अकाउंट को फॉलो करोगे तो आपके साथ स्कैम हो सकता है, आपके टोकन यहाँ पे छीने जा सकते हैं, जितने भी टोकन आपने अर्न किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट या आपने अर्न करे हैं अपनी कमाई से खरीदे हुए। तो फ्रेंड्स रिसेंटली आप देख सकते हो यहाँ पे 30,000 के फॉलोवर्स हैं, और वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये रेगुलरली अपने प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, और यहाँ पे रेगुलरली अपने प्रोजेक्ट के अंदर देखो ट्विटर के अंदर ये ट्वीट कर रहे हैं, ये इनकी पूरी की पूरी टीम अगर काम कर रही है तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ऑलरेडी लिस्टेड इन बिटगेट, MEXC, और साथ ही साथ देखो यूनिस्वैप के अंदर अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस इन्हें दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आपने इनके फेस 1 के अंदर पार्टिसिपेट किया होता, फेस 2 के अंदर पार्टिसिपेट किया होता, तो भाई यहाँ पे आपको ज्यादा टोकन मिलते। अगर आप फेस 3 के अंदर अभी पार्टिसिपेट करते हो तो दोस्तों यहाँ पे आप एक्स्ट्रा टोकन अर्न कर सकते हो। यहाँ पे ये रही इनकी वेबसाइट, और अभी इनका गेम जो है वो बीटा वर्जन में है, और बीटा वर्जन में भी हम इस गेम को खेल सकते हैं। और अगर आप इनके अलरी यूजर होते हो गेम खेलने वाले, तो भाई आपको एज अ एयरड्रॉप पे पार्टिसिपेशन करने का ऑप्शन यहाँ पे दे दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बिटगेट, MEXC, यूनिस्वैप के अंदर यहाँ पे ये पूरा का पूरा अवेलेबल है। NEFT प्ले टू अर्न गेम है, जहाँ पे आप जो है वो इनके फार्म को, या जो आप कह सकते हो इनके पूरे के पूरे पिकामोन्स को, जो ये आपको पिकामोन्स देख रहे हैं ना यहाँ पे, या पिका जो पोकेमोन होते हैं, या पिकामोन आप इसको कह दीजिए, इनको आप होल्ड करके ट्रेड कर सकते हो। इसके ऊपर भी जो है वो आप अर्निंग कर सकते हो, जैसे आप स्टीफन के अंदर सूज खरीदते हो ना वैसे। तो यहाँ पे देखो आपको पिका वश का ऑप्शन देखने को मिलता है, रिवॉर्ड पिका का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आपने इनके टोकन अर्न कर लिए, उन टोकन को जो है वो आप यहाँ पे स्टेक भी कर सकते हो, और यहाँ पे इन टोकन्स को ट्रेड कर सकते हो इनकी गेम के थ्रू ही, वरना आप जो है उन टोकन्स को निकाल दो बिटगेट जैसे एक्सचेंज के अंदर, साथ ही साथ जो है MEXC एक्सचेंज के अंदर डायरेक्टली वहाँ पे से आप ट्रेड कर सकते हो। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ उनके पार्टनर्स के, पार्टनर्स में आप देख सकते हो स्पेस मनी, ब्लॉकचेन मीडिया, इथेरियम क्रिप्टो, सॉरी बी इन क्रिप्टो, क्रिप्टो न्यूज़ वगैरह जो है वो इनके साथ टाइप है। याहू फाइनेंस ने जो है वो यहाँ पे वो कर दिया होगा, आप इनके जो है वो पोस्ट वगैरह डाल दिए होंगे, या जो है वो इनको एज अ गूगल के, मतलब याहू के अंदर जो है वो अपने
पोस्ट आप कहते हो ना जैसे न्यूज़ वगैरह स्प्रेड कर दी होगी वो है। और वही बात करूँ आउटलुक जो है वो न्यूज़ पीटीसी वगैरह जो है उनकी तरफ काम करते हैं, बिटकॉइन जैसे एक्सचेंज के अंदर जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, इनके करेक्टर्स यहाँ पे देख सकते हो, इनके करेक्टर्स कौन कौन से हैं जहाँ पे दे रखे हैं फायर करेक्टर्स, यहाँ पे ये जो है इनके तीन फायर करेक्टर्स हैं। वाटर करेक्टर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको वाटर करेक्टर देखने को मिलेंगे, मतलब ये वो करेक्टर्स हैं जिनके थ्रू जो है वो आप गेम खेलोगे। इलेक्ट्रिक करेक्टर्स आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे पिकाचू होता है ना, पिकाचू इलेक्ट्रिक फेंकता है, तो वैसे ही यहाँ पे देखो पिका वैसे ही यहाँ पे जो है वो इनके इलेक्ट्रिक करेक्टर्स हैं। और रॉक करेक्टर जो यहाँ पे पत्थर के थ्रू मारते हैं, एयर करेक्टर जो है वो हवा के थ्रू मारते हैं, अर्थ करेक्टर जो है वो यहाँ पे अर्थ के मतलब आप ये कह सकते हो पूरी अर्थ को यूज़ करके यहाँ पे जो है वो मारते हैं। अगर आप जो इनके एनएफटी को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो यहाँ पे जो है पूरी की पूरी इनकी एनएफटी को एक्सप्लोर कर सकते हो। वहीं मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो यहाँ पे आपको पूरा पूरा गेम के बारे में समझाया गया कि गेम क्या है, किस तरीके से यहाँ पे पूरा पूरा गेम काम करता है। अब आप इसका वाइट पेपर देखना चाहते हो तो वाइट पेपर यहाँ पे आप देख सकते हो, जहां पे इनके व्हाइट पेपर के अंदर बताया है कि किस तरीके से यहां पे जो है वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट काम करता है, जहां पे बताया है कि भाई बिल्ड अपनी टीम को बिल्ड करो, बिल्ड करने के साथ जो है सामने वाले से यहां पे पूरा का पूरा बैटल करो, और बैटल करने के बाद जो भी टोकन सामान करोगे उसको आप विड्रॉल कर सकते हो यहां पे अपने किसी भी एक्सचेंज के अंदर, और यहां पे आपको वॉलेट एड्रेस भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ओवरऑल यहां पे पूरा का पूरा ये है। अब बात करते हैं इनके फेस के अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो देखो यहां पे एक ऑप्शन है बाय पिका, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पे आपके सामने अभी मैं इनका मैंने अपना वॉलेट एड्रेस कनेक्ट किया है, मैं इसको अपने वॉलेट एड्रेस को डिस्कनेक्ट एक बार कर लेता हूं आपके सामने। ठीक है, डिस्कनेक्ट के ऊपर मैंने जैसे क्लिक किया तो यहां पे आपके सामने वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, 1pika इक्वल्स टू 1pika। तो यहां पे अगर आप 1pika अगर आपके पास ऑलरेडी है तो भाई यहां पे जो है वो आप 1pika ऑन अर्न कर सकते हो। तो यहां पे आप देख सकते हो कनेक्ट अ वॉलेट के ऊपर क्लिक करो, मेटामास्क के ऊपर आप क्लिक करो, और यहां पे आप देख सकते हो कनेक्ट के ऊपर जैसे क्लिक करते हो तो आपका जो अकाउंट है यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। अब मेक श्योर आपके इथेरियम वॉलेट के अंदर, यहाँ पे मेरे इथेरियम वॉलेट के अंदर अभी एक भी रुपया नहीं पड़ा है, इथेरियम नहीं पड़े हैं, बट मेरे आर्बिट्रम के अंदर पड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे आर्बिट्रम वॉलेट के अंदर पड़े हुए हैं $14 के इथेरियम, बट दोस्तों इथेरियम वॉलेट के अंदर नहीं पड़ा है तो यहाँ पे इथेरियम वॉलेट की ही नीड पड़ने वाली है। तो अभी के केस के अंदर ना मैं इस टोकन को खरीदूंगा, लेकिन अभी नहीं खरीदूंगा, जब यहाँ पे इस टोकन का प्राइस नीचे गिरेगा तब खरीदूंगा। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे MEXC एक्सचेंज के थ्रू, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हो बिटगेट के अंदर ये ऑलरेडी अवेलेबल है। और मैं अगर इसका चार्ट एक दिन का देखता हूँ तो यहाँ पे देखो एक दिन के अंदर ऑलरेडी जो है कॉइन जो है पम्प्ड है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो आज के दिन में ही जो है 43 की जो है इसने अपनी पूरी की पूरी रैली लगाई हुई है। तो यहाँ पे अभी के तौर में इसका प्राइस अभी के तौर में जो है वो नहीं खरीदूंगा। यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको क्लेम पिका के ऊपर क्लिक करना है। आपके अकाउंट के अंदर यहाँ पे इथेरियम पड़े होंगे, अब वो ज़्यादा बड़ा इथेरियम नहीं काटेंगे, आपकी कुछ फी काटेंगे। अगर आपके वॉलेट के अंदर इथेरियम पड़े होंगे तो दोस्तों आपको जो है पिका यहाँ पे टोकन्स मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे कैसे है, देखो साफ साफ स्टेप 3 के अंदर बताया है। ये स्टेप 3 मतलब वो दोस्तों यहाँ पे ये है, पहले स्टेप के अंदर आपको जो है वो कनेक्ट करना है, दूसरे के अंदर जो है वो आपको प्री सेल के अंदर पार्टिसिपेशन करना था। लेकिन दोस्तों अगर आपने प्री सेल के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं किया है देन दोस्तों तब भी जो है वो आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे स्टेप 3 के अंदर डायरेक्टली आप जो अपने पिका को क्लेम करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक बाय का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, जैसे आप इस बाय के ऊपर क्लिक करते हो ना तो यहाँ पे आपको वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। बट दोस्तों यहाँ पे ये जो वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन है आप इसको कनेक्ट कर लोगे बट आपको इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये प्री सेल का फेस था, अब यहाँ पे फेस 3 में ये पहुंच गए हैं। जैसे कि फेस 1 के अंदर जो है वो मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो फेस 1 के अंदर जिसने भी इसके ऊपर इन्वेस्ट किया होता तो भाई 60 डे का यहाँ पे टाइम पीरियड था, फेस 2 में 30 डे का टाइम पीरियड था, और यहाँ पे फेस 3 में अगर जो भी बंदा जो है वो पार्टिसिपेट किया होता देन दोस्तों यहाँ पे आप डायरेक्टली अपने टोकन्स को क्लेम कर सकते थे। लेकिन अगर आपको अभी ये टोकन्स को बाय करना है तो MEXC और बिटगेट से बाय कर सकते हो। देखो अगर मैं बिटगेट का यहाँ पे चार्ट खोल के देखता हूँ तो यहाँ पे अभी तो मैं इन टोकन को बाय नहीं करूँगा, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी देखो यहाँ पे 44% का पंप आज की डेट में इसने मारा हुआ है। एक दिन का चार्ट यहाँ पे मैं लगा के बैठा हूँ और यहाँ पे पिछले ही दिन 31%, दूसरे दिन 41%, तो यहाँ पे टोकन ऑलरेडी अब है। और टोकन मेरे को इस रेंज के आसपास यहाँ पे अगर देखने को मिलता है ना, इस रेंज के आसपास यहाँ पे 0.015 के आसपास मैं डेफिनेटली इसके अंदर बाइंग बनाऊंगा और इन टोकन को स्टेक करूंगा इनकी ही वेबसाइट के अंदर, जहां पर से जो है वो और भी ज्यादा एक्स्ट्रा टोकन अर्न कर पाऊं, और इनके प्ले टू अर्न गेम के अंदर भी डिपॉजिट करूंगा जहां पे जो है वो अच्छे खासे टोकन और भी अर्न कर पाऊं। अब चलो बात करते हैं किस तरीके से जो है वो इनके गेम प्ले करते हैं, किस तरीके से जो है वो इनके टोकन इनके जो है वो गेम प्ले को हम इंजॉय करते हैं।
सबसे पहले तो दोस्तों आपको जो है वो एक गेम आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर के अंदर, पिकामोन। आप जैसे सर्च करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो पिकामोन। ये अभी अर्ली फेसेस में है गेम, अभी पूरा पूरा लॉन्च नहीं हुआ है, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो आपको 5000 के इनके डाउनलोड देखने को मिल जाएंगे। सिंपली जो है वो आपको प्ले के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इनके गेम को प्ले करते हो तो यहाँ पे देखो आप लोगों के सामने कुछ तरह का गेम खुल के आ जाएगा, आपको लॉग इन करने के लिए बोलेगा। आप जो है वो सिंपली अपने अकाउंट के साथ इनको लॉग इन कर लीजिएगा। मैं साइन इन के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरा अकाउंट ऑलरेडी इसके अंदर है। देखो यहाँ पे मेरा जो है नाम ऑलरेडी लिखा आ गया, साइन इन हरकेश सॉरी टैकी होम नाम से। यहाँ पे ओवरऑल आप जो है उनकी सेटिंग्स के अंदर जाके पूरा पूरा इनके ग्राफिक्स वगैरह अकाउंट्स वगैरह पूरा सेट कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बोला है अभी प्री सेल कंप्लीट हुई है, आगे चल के और भी ज्यादा एयर ड्रॉप्स यहाँ पे अनाउंस किए जाएंगे, तो आप इसके अंदर पार्टिसिपेट डेफिनेटली करिएगा, इनके गेम प्ले को प्ले करते रहिएगा। सिंपली आप एंटर गेम के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो आप लोगों के सामने यहाँ पे कैरेक्टर्स होंगे। जैसे कि देखो ये वाला कैरेक्टर मेरे को मिला है, ये वाला कैरेक्टर मिला है और पिकाचू का ये वाला कैरेक्टर मिला है। बाकी देखो दोस्तों अगर आपको जो है वो पूरे पूरे लीडर बोर्ड देखने हैं, कौन सबसे ज्यादा खेल रहा है, कौन सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है गेम में, लीडर बोर्ड में सबसे नंबर वन में कौन चल रहा है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल जो है वो डे बाय डे अगर आप लॉग इन करते हो तो आपको डे बाय डे यहाँ पे रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। इन रिवॉर्ड्स को भी जो है वो आगे चल के आप अपनी NFT के अंदर यूज कर सकते हो इनकी पावर्स को इंक्रीज करने के लिए। अब यहाँ पे आपको अपनी टीम को सेटअप करना है। अगर आपके पास और भी ज्यादा पिकाचू है या और भी ज्यादा जो है वो यहाँ पे वो है क्या कहते हैं उसे ये है क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं पिकामोन्स है, तो आप जो है वो डायरेक्टली जो है वो उनको यूज कर सकते हो गेम खेलने के लिए। अभी देखो जैसे कि मेरी यहाँ पे टीम ये है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अभी जो है वो लेवल्स के पिकामोन्स दिए जाएंगे, जहाँ पे अपने पिकामोन्स को सेट कर सकते हो कि भाई यहाँ पे आपकी टीम देखो जैसे कि मेरी टीम वन में ये लोग हैं, टीम टू में ये है। अब मैं अपने प्लेयर्स में अपनी जो है वो ग्राउंड्स के अंदर जो भी टीम उतारना चाहता हूँ मैं यहाँ पे उतार सकता हूँ। जैसे कि देखो अभी मैं जो है वो इसको भी ऐड करता हूँ, जहाँ पे देखो ये एयर स्ट्रॉम वाला प्लेयर है, 40 लेवल्स के सारे मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखो गेम प्ले करने के लिए क्या करना है आपको, सिंपली प्ले के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगर आपको जो है वो AI से बैटल करनी है, मतलब इनके गेम प्ले अंदर ही अंदर खेलना है तो आप खेल सकते हो। अगर किसी प्लेयर से खेलना है तो मल्टीप्लेयर के ऊपर आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको कौन सी टीम चूज करनी है तो आप अपनी टीम को चूज करिए। जैसे कि मैं ये वाली टीम चूज करना चाहता हूँ, फाइट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी अपोनेंट सर्च होता है और अपोनेंट सर्च होने के साथ साथ मैं यहाँ पे फाइट करना चालू कर जाऊंगा। दोस्तों गेम अभी अर्ली फेज में है, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको इसको यूज डेफिनेटली करना चाहिए, आप आगे चल के अच्छे खासे प्रॉफिट्स यहाँ पे इंजॉय करोगे। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बड़े बड़े गेम्स हैं जिन्होंने अपने एयर ड्रॉप को अनाउंस किया है, जैसे माविया जैसे गेम्स, अगर आप जो है वो इनके गेम्स को ज्वाइन करते हो तो अच्छे खासे प्रॉफिट्स के साथ आप इंजॉय कर सकते हो। देखो रात के 2 बज रहे हैं तो अभी कोई प्लेयर आए ना आए आई डोंट नो, मैं फटाफट से कैंसिल करता हूँ और आपको AI के साथ बैटल करके दिखाता हूँ। ठीक है, प्ले के ऊपर क्लिक किया, AI के साथ बैटल किया और यहाँ पे ठीक है ये प्लेयर ये है, इनकी लेवल ये है, मेरे जो है वो इनकी लेवल्स ये है। ठीक है, कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, AI के साथ यहाँ पे पूरी पूरी बैटल होने वाली है। जैसे आप AI से करोगे सामने वाला बैटल भी उसी तरीके से चलने वाला है। ठीक है, सिंपली जो है दोस्तों बैटल करने के लिए क्या है, सारी की सारी पावर्स आपको यहाँ पे दी गई हैं और सामने वाले का जो है वो प्लेयर ये है, हमारा प्लेयर ये है। मैं फटाफट से जो है वो आग के थ्रू जो है मारता हूँ उसको, ये आग फेंकेगा मेरा प्लेयर। देखो ये देखो इसकी पूरी की पूरी लेवल खा गया और यहाँ पे जो है वो डिफीट कर गया। अब देखो अगर ये दूसरा प्लेयर भेजता है तो हमारी जो है वो यहाँ पे एक ही शॉट में पूरी पूरी विक्ट्री हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं और भी मैंने पॉइंट्स अर्न कर लिए हैं, अगर मैं और खेलना चाहता हूँ तो यहाँ पे और खेल सकता हूँ, अपने प्लेयर्स को यहाँ पे स्वैप भी कर सकता हूँ। तो फटाफट से एक गेम और खेल लेते हैं आप लोगों के सामने। जैसे कि देखो अभी सामने वाला मेरे को मारेगा, ये मारा इसने मुझे, तो यहाँ पे मेरी 316 की पावर यहाँ पे खर्च हुई। यहाँ पे आपको आपकी पावर दिखाई देने वाली है। अब मैंने भी जो है वो उसके जैसा प्लेयर यहाँ पे लेके आ गया हूँ, मैंने अपना प्लेयर स्वैप किया था ना। अब देखो यहाँ पे मैं मारता हूँ इसको ये, ठीक है, अब ये कितना इसकी पावर डैमेज होती है देखा जाए। ये हुई इसकी यहाँ पे 232 की पावर डैमेज हुई और यहाँ पे इसने मुझे मारा 595 की। फटाफट से जो है वो दूसरा प्लेयर स्वैप करता हूँ दोस्तों, पता चला इसने मेरे को जो है वो हरा दिया। ठीक है, अभी सामने वाले का टर्न आ गया, अगर आप प्लेयर स्वैप करते हो तो सामने वाले का टर्न आ जाता है। अब ये देखो मैं AS के थ्रू जो इसको मारता हूँ तो यहाँ पे 232 की पावर मेरी कम हुई। अब ये मैं ये देखो 310 की पावर यहाँ पे पूरी पूरी इसकी डैमेज हो गई और यहाँ पे देखो हमारी फिर से यहाँ पे विक्ट्री हो गई। तो कुछ इस तरीके से जो है वो आपको गेम में पार्टिसिपेट करना है। अभी यहाँ पे वॉलेट एड्रेस नहीं आए हैं, ना ही अभी कोई यहाँ पे टोकन का या NFT का ट्रेड करने का ऑप्शन आया है। बट दोस्तों जैसे ही यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन आप लोगों के सामने खुलते हैं देन आप यहां पे अच्छे खासे टोकन आगे चल के अर्न कर पाओगे। तो कुछ इस तरीके से जो है वो पूरा का पूरा पिकाचू या पिकामोन का पूरा गेम यहां पे काम करता है। इनके NFTs में बहुत सारे NFT हैं, इलेक्ट्रिक वाले NFT हैं, ये जो NFT हैं हो सकता है आगे चल के जो है वो आपको रियल NFT मिल जाए, इसकी जगह आप जो है वो यहां पे मार्केट के अंदर इनके कैरेक्टर्स के थ्रू ट्रेड भी कर पाओ। तो मेरे हिसाब से दोस्तों यूज़ करना चाहिए, बाकी करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। और
मैं डेफिनेटली जो भी $50 या $100 का इन्वेस्टमेंट मेरे को मिला है या स्पॉन्सर मिला है, मैं उसके थ्रू इनके टोकन खरीदूंगा और इन्हीं के प्लेटफॉर्म के अंदर स्टेक कर दूंगा, जैसे मैंने हुक्ड प्रोटोकॉल के अंदर किए थे वैसे ही मैं यहाँ पे स्टेक कर दूंगा और इनसे जो है प्रॉफिट्स अच्छे खासे इंजॉय करने वाला हूँ। तो आपकी क्या राय है मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना, मेरे को ये चीज़ें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और 30,000 फॉलोअर्स अभी छोटे हैं मैं जानता हूँ, बट जैसे इनकी फैमिली पूरी की पूरी बड़ी होगी दोस्तों अच्छे खासे यहाँ पे प्रॉफिट्स हम आगे चल के इन्जॉय करेंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इनके ऊपर आगे चल के इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों पूरी की पूरी टीम एक्टिव है, गेम अच्छा है और इथेरियम की ब्लॉकचेन के अंदर है, इथेरियम के अंदर पैसा आता है तो भाई इनकी ब्लॉकचेन के अंदर ही पैसा आएगा या इनके जो है प्रोजेक्ट के अंदर ही पैसा आएगा और अच्छा खासा जो है उनका प्रोजेक्ट बूम कर सकता है। तो आई होप फ्रेंड्स यहां पर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होते हैं इन प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है जहां पे आप लोग मुझसे बात कर सकते हो किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में एंड करते हैं, धन्यवाद।